हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी कंटेस्टेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनीषा रानी के बारे में। मनीषा अपने वॉइस कॉमेडी और क्यूटनेस की वजह से आज इंटरनेट पर सनसनी बनी हुई है और हर एक इंटरनेट यूजर इन्हें जानता है। सोना हम रहोना, किसी और की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो चूर देंगे बदन का कोना कोना। मनीषा अपने ओरिजिनल वॉइस के कॉमेडी की वजह से ही ज्यादा जानी जाती है। मनीषा को डांस रियलिटी शो DID सीजन 5 में भी देखा जा चुका है और अब वो कलर्स टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस में हिस्सा लेने पहुंच चुकी है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कैसे बिहार के एक छोटे से गांव से ताल्लुकात रखने वाली मनीषा रानी आज इतनी फेमस हो गई है, और साथ ही साथ जानेंगे मनीषा के लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, बात करते हैं शुरू से। मनीषा का जन्म 10 जून 1994 को बिहार के जिले मुंगेर के एक छोटे से गांव में हुआ था। मनीषा को उनके फैमिली और उनकी बहनें प्यार से लवली बुलाती है, ये इनका निकनेम है। इनके फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा इनकी 3 बहनें हैं। मनीषा के फादर का स्काई किंग नाम से एक खुद का कुरियर ऑफिस है और उसी से उनका घर चलता है। मनीषा के फैमिली मनीषा को बचपन से ही काफी सपोर्ट करते हैं और वो बचपन से ही काफी कॉन्फिडेंस वाली लड़की रही है। साथ ही साथ वो अपने फादर की सबसे लाडली बेटी में से एक रही है। मनीषा बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी और ये बात वो क्लियरली अपने फैमिली को बता चुकी थी कि कुछ भी हो जाए उन्हें एक्टिंग तो करना ही है। अपनी स्कूलिंग पढ़ाई मुंगेर से कम्प्लीट करने के बाद मनीषा अपने सपनों को पूरा करने कोलकाता चली गई। पहली बार घर से बाहर अकेले जाने पर उनके पेरेंट्स काफी चिंता में थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। मनीषा बचपन से एक्ट्रेस बनने का सपना देखा करती थी और वो बचपन से एक अच्छी डांसर भी रही है, लेकिन इसके बाद भी वो कोलकाता जाकर वहाँ पर डांस की ट्रेनिंग ली जिससे वो अपने डांस को और बेहतर कर सके। जब वो कोलकाता गई थी तब मनीषा सिर्फ 20 साल की थी और उन्होंने यहीं से GTV के रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सीजन 5 के लिए ऑडिशन भी दिया था, लेकिन मनीषा इस शो के फाइनलिस्ट नहीं बन पाई। लेकिन इसके बाद भी मनीषा ने अपनी बातों से सभी जजों का दिल जीत लिया। आपको कुछ और बोलना है फुन्नू से? शादी नहीं करेंगे। वो करेंगे ना? ओके, सुनिए, धोखा नहीं दीजिएगा आप मुझे। DID में सिलेक्शन नहीं होने के बाद उन्हें लगभग 2 साल तक कोई काम नहीं मिला। काफी लंबा टाइम मनीषा ने काफी सारे ट्राई किए कि उसे कुछ काम मिल जाए, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला, जिसके बाद वो वापस अपने गांव चली गई। इसके बाद जब साल 2018 में इंडिया में TikTok फेमस हो रहा था, इसी दौरान मनीषा ने भी अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी वीडियोस डालने लगी। मनीषा का TikTok का सफर मार्च 2018 से शुरू हुआ। पहले तो इन्होंने लिपसिंग और डांस वीडियो बनाकर डालने स्टार्ट किए, लेकिन इन सारे वीडियोस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहे थे, जिसके बाद इन्होंने अपने खुद के ओरिजिनल वॉइस में एक वीडियो बनाकर अपलोड किया और जो रातों रात वायरल हो गया और जिसमें रातों रात मिलियंस में व्यूज चले गए। हम अपने पति को लेकर उतना नया सोचते हैं, उतना भरोसा हमको है उस पर, हमार फाटल तो हमार बॉयफ्रेंड को लेकर है, वो सारा भरोसे का लायक नहीं है, कुत्ता कमीना छिछंदर। इसके बाद मनीषा लगातार फेमस होती चली गई। उन्हें इतना पसंद किया जाने लगा कि उन्हें गुड़िया नाम के एक TV सीरियल में भी काम करने का मौका मिल गया, लेकिन इस सीरियल में इनका काफी छोटा सा रोल था और जो उन्हें कुछ दिन तक ही करने का मौका मिला। और दिन पर दिन मनीषा TikTok पर फेमस होती चली गई और इनकी वॉइस और कॉमेडी लोगों को इतना पसंद आता था, यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज भी इनके वॉइस पर वीडियो बनाने लगे, जिसके बाद से मनीषा को और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। इसी दौरान मनीषा को पता लगा कि द कपिल शर्मा शो में बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन आने वाले हैं और मनीषा कार्तिक आर्यन की बहुत बड़ी फैन है। फिर क्या था, अपने फेवरेट एक्टर कार्तिक आर्यन से मिलने के लिए मनीषा रानी द कपिल शर्मा शो में एज अ ऑडियंस पहुंच गई और वहीं कपिल अपने शो में आने वाले ऑडियंस की बात सेलिब्रिटी से करवाते हैं और उस एपिसोड में कुछ ऑडियंस बुलाए गए जिन्हें अपने आवाज में कुछ डायलॉग्स बोलने थे, और जब डायलॉग बोलने का टाइम मनीषा रानी का आया तो उन्होंने मानो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और उनके डायलॉग्स ने सभी को खूब इंटरटेन किया।
किया और उनके कॉन्फिडेंस की तारीफ खुद कपिल शर्मा तक ने की। और साथ ही साथ ये क्लिप यूट्यूब पर काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद मानो मनीषा को और भी फेम मिल गई। और इसी तरह पॉपुलर होते होते मनीषा आज कलर्स टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा बन गई है। मनीषा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका सपना है कि वो बिग बॉस के घर में जाए, और अब उनका वो सपना पूरा भी हो चुका है क्योंकि अब वो बिग बॉस के घर में पहुंच चुकी है। बिग बॉस के घर में एंट्री लेने के बाद मनीषा रानी लगातार सभी को एंटरटेन करते हुए नजर आ रही है। वहीं हाल ही में एक वीडियो काफी ट्रेंड कर रहा है, जिसमें मनीषा रानी सलमान खान के साथ ओपनली फ्लर्ट करती हुई नजर आ रही है। आपको पता है, आप मेरे बचपन का प्यार है, जवानी का पसंद और बुढ़ापा का सहारा है। पापा की आँख है, क्या होंठ है, क्या नाक है, क्या बाल है, क्या चाल है, धमाल है। आप कुछ नहीं बोलते हैं क्या? मौका देगी तो बोलूंगा। वही बात करें इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो दोस्तों मनीषा सोशल मीडिया पर काफी फेमस है और इंस्टाग्राम पर इनके 4.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। साथ ही साथ मनीषा का खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, जहां पर 1.3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं बता दें मनीषा को ट्रैवलिंग काफी पसंद है और वो आए दिन घूमते फिरते नजर आती रहती हैं। बात करें इनके रिलेशनशिप स्टेटस की, तो मनीषा अनमैरिड है और फिलहाल इनका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है और अपने करियर पर ही फोकस कर रही है। बात करें इनके हाइट की, तो मनीषा 5 feet 2 inches टॉल है। और वहीं बात करें इनके वेट की, तो ये 55 किलोग्राम्स की है और साल 2023 के हिसाब से ये 29 साल की है। सो फ्रेंड्स, ये थी मनीषा रानी के लाइफ स्टोरी से जुड़ी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।